बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस धन्यवाद कार्यक्रम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे भारत के गृह मंत्री सम्माननीय अमित भाई शाह जी और हमारे भारत सरकार में मंत्री, पूर्व में अध्यक्ष रहे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य सम्माननीय नितिन गडकरी जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में, धन्यवाद कार्यक्रम में आए हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, आप सबकी ओर से, अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से, मैं इस कार्यक्रम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से, जहां मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वहीं जो उन्होंने अथक प्रयास देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया है, वह सच में देश को एक नई दृष्टि और दिशा देने वाला है। यह भी चुनाव जो कल संपन्न हुआ, यह चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं था, यह चुनाव लद्दाख से लेकर के तेलंगाना और कर्नाटक तक के प्रदेशों के उपचुनाव भी थे, ये गुजरात से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर और मणिपुर नॉर्थ ईस्ट तक के भी उपचुनाव थे। और इन चुनावों में बिहार समेत जिस तरीके की जीत भारत की जनता ने और बिहार की जनता ने दिया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास के कारण लोगों ने जो जन समर्थन दिखाया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यह चुनाव कोविड के पश्चात, कोविड संक्रमण के पश्चात यह पहला बड़ा चुनाव था। हम सब के लिए भी बहुत दिक्कत की बात थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कोरोना से, संक्रमण से लड़ते लड़ते इस चुनाव में लोगों को साथ लेकर के चलना कितना कठिन होगा। और कोरोना संक्रमण के दृष्टि से इस चुनाव में जनता अपना शॉर्ट ब्रेक तीसुकुंदाम, स्टे ट्यून। जनता पार्टी के या फिर कर्नाटक की जनता हो, सभी ने एक स्वर से कमल के निशान पर मोहर लगा करके आदरणीय मोदी जी के काम को उन्होंने मोहर लगाई है, ये हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। मित्रों, यह कोरोना का संक्रमण इसने बड़े शक्तिशाली देश को भी, उनके नेतृत्व पर भी प्रश्न खड़े किए। इस कोरोना के संक्रमण ने शक्तिशाली देश के भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को असहाय देखा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का 130 करोड़ के देश को जो नेतृत्व कोरोना के संक्रमण में मिला और आपने जो टाइमली और बोल्ड डिसीजन लेकर लॉकडाउन लगाया, भारत की 130 करोड़ की जनता का बचाव किया गया, यह हम सब लोग जानते हैं। मित्रों, हमें ध्यान में है कि जिस दिन कोरोना संक्रमण के लिए लॉकडाउन लगा था, उस दिन टेस्टिंग के लिए एक लेबोरेटरी होती थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को तैयार किया
और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि 1650 टेस्टिंग लेबोरेटरीज यहां देश में खड़ी है। उस समय एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनता था, हम बाहर से मंगवाते थे। आपने उद्यमियों को प्रेरणा दी, उनको खड़ा किया और आज भारत प्रतिदिन 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बना रहा है। और देश को ही नहीं, दुनिया को अब ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भारत दे रहा है। उस समय हमारे पास एक वेंटिलेटर बनाने की ताकत नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने सबको प्रेरित करके 3 लाख वेंटिलेटर बना करके, भारतीय वेंटिलेटर देश के लिए भी और बाहर के लिए भी व्यवस्था की है। 150 देशों को दवाई मुहैया कराई, पैरासीटामोल और HCQ, यानी हम सिर्फ भारत की जनता की मोदी जी ने चिंता नहीं की, दुनिया के लोगों की चिंता की गई। कोरोना की अवस्था में यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, उसी तरीके से अगर हम जल कल्याण नीतियों को देखें तो जो आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया, यह छोटी घटना नहीं है। और यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी और WHO के डायरेक्टर जनरल ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक विषयों की भी निराकरण किया है और लोगों को उसमें अपने साथ शामिल करके उनके बचाव का काम किया। यह गरीब कल्याण पैकेज 1,70,00,000 का, 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर छठ और दिवाली तक 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं या 1 किलो दाल की व्यवस्था की गई ताकि उनका चूल्हा जल सके। 8 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया गया ताकि उनका चूल्हा जल सके। 20 करोड़ बहनों के खाते में सीधा 500-500 रुपए पहुंचाकर उनके खाने की, चूल्हे की व्यवस्था हो सके, इस काम को किया गया। और उसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत का रूप देखा आत्मनिर्भर बिहार, और बिहार की जनता ने मोदी जी के इस काम के लिए मोहर लगाई, इस बात को हमको समझना चाहिए। ये सीमांचल से लेकर के मखाने का उद्योग से लेकर और पशुपालन का विषय लेकर के और मत्स्य पालन का विषय को लेकर जो आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू किया है, उस पर भी बिहार की जनता ने अपनी मोहर लगाई है। उसी तरीके से पहली बार मोदी जी ने एक बिहार की जनता के सामने जो वायदा किया था 3 साल पहले कि हम 1,25,00,000 करोड़ का पैकेज देंगे, और हम सबको ध्यान में होगा कि मोदी जी ने पाई पाई का हिसाब दिया, 1,25,00,000 और उसके बाद 40,000 करोड़ और बिहार को दिए, यह भी उसमें से निकल करके आया। और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी तरीके से ऑल इंडिया शो मेडिकल साइंसेस, उसी तरीके से 11 मेडिकल कॉलेज, उसी तरीके से 54,000 करोड़ रुपए हाईवेज के लिए, 13,000 करोड़ रुपए सड़कों के लिए नया जाल बिछाया गया, और डबल इंजन की सरकार को फिर से बिहार के लोगों ने मोहर लगाई। और जो मोदी जी ने खर्च यहां से भेजा वो नीतीश कुमार जी ने वहां लगाने का प्रयास किया। इसलिए मित्रों, यह चुनाव जन कल्याण नीतियों को मोदी जी ने जिस तरीके से आगे बढ़ाया और बिहार की जनता में गुंडा राज के बजाय विकास राज को पसंद किया, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए विकास की नई बहार के लिए आशाओं के साथ, आकांक्षाओं के साथ बिहार की जनता ने भी और देश के उपचुनाव की जनता ने भी अपने मोहर लगाई और भारतीय जनता पार्टी को चुना है। బీహార్ లో గెలుపుతో సంబరాలు చేసుకుంటోంది బీజేపీ. ఢిల్లీలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో గ్రాండ్ గా విజయోత్సవ సభ నిర్వహిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమానికి బీజేపీ చీఫ్ నడ్డాతో పాటు ప్రధాని మోడీ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని లైవ్ చూద్దాం. యూనియన్ టెరిటరీ లద్దాఖ్ ని అప్నా పూరా యోగదాన్ కియా. ఇస్లీ మిత్రో, భారతీయ జనతా పార్టీ ఆదరణీయ మోదీజీ కే నేతృత్వ మే చునావ్ పర్ చునావ్ జీత్తీ గయీ హై, ఔర్ చునావ్ జీత్నే కే సాత్ సాత్
लोगों के कल्याणकारी नीतियों को जो उन्होंने आगे बढ़ाया है उस पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। इस बार का चुनाव बिहार में हमें देखने को मिला किस तरीके से चुनाव को सच्चाई को दबा करके गलत बातों को आगे ला करके वहां की जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां की जनता ने बाहुबल को नकार दिया और विकास बल को मोहर लगाई। उन्होंने लूट राज को नकार दिया और डीबीटी राज को मोहर लगाई। उन्होंने लालटेन युग को नकार दिया और एलईडी युग का मोदी जी का उसको उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए मित्रों, मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा। हम सब लोग उनकी बातों को सुनने के लिए आतुर हैं, तत्पर हैं और उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी मैं सिर्फ संक्रमण काल में ही आपने जो हम लोग को दिशा दी, सेवा ही संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जब सारा देश लॉकडाउन था, जब सारी पार्टियां लॉकडाउन थी, तब आपने भारतीय जनता पार्टी को प्रेरणा दी और सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता लग करके हम लोगों ने कोरोना संक्रमण में सेवा ही संगठन पे काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस रुचि के साथ आप देश की सेवा कर रहे हैं, जिस मेहनत के साथ, और पार्टी को भी आप दृष्टि और दिशा दे रहे हैं, मैं पार्टी की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो यहां उपस्थित है और जो चैनल से भी इस बात को सुन रहा है, एक एक कार्यकर्ता आपके बताए रास्ते पर चलकर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, बिहार के चुनाव में एक बात बहुत आई, काबा काबा काबा, और उसमें से निकला ई बा, बिहार में ई बा ई बा ई बा। और सबसे बड़ी बात यह आई कि बिहार के चुनाव में विकास बा विकास बा विकास बा, और विकास के साथ विकास को वोट बा, और लूट को और गुंडा राज को चोट बा, ये भी हमको समझना चाहिए। आपने हमारी बात सुनी, आपका धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने में हम सब लोग करोड़ों कार्यकर्ता मिलकर के आपकी बताए रास्ते पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।